रहे हैं SPN9 News और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। ये राजनीति है जहां पर माँ और बेटा एक दूजे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। वो राजगद्दी, वो सियासत एक ऐसा खेल है, एक ऐसा षड्यंत्र है जहां पर अपने ही अपनों को काटते हुए भी देखे जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 बस अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। 19 मई को सातवां चरण यानी कि आखिरी चरण हो जाएगा और कहीं ना कहीं 23 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में तमाम अहम सीट पर तमाम बहस होती देखी जा रही है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी के बीच का आरोप और प्रतिआरोप तो जारी ही है, मगर पार्टी के अपने ही मेंबर जो हैं बीच में ही तमाम आरोप एक दूजे पर लगाते। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुल्तानपुर सीट की। सुल्तानपुर सीट एक अहम सीट है जहाँ पर सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और मेनका गांधी के अपोजिट में जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में ये सीट पहले वरुण गांधी की रही। हालांकि बीजेपी में जिस तरह से अदला बदली का ये सिलसिला देखा गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर हर एक देखने वाला हैरान हो गया, क्योंकि पहले सुल्तानपुर सीट से वरुण गांधी सांसद ऑलरेडी हैं और इस सीट से उन्हें इस बारी भी जीत हासिल होती, मगर मेनका गांधी को पीलीभीत सीट छोड़ के सुल्तानपुर सीट से जो खड़ा किया गया वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक स्ट्रैटेजी भी साबित हो सकती है जो कांग्रेस को हराने की हो। मगर ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया कि मेनका गांधी अपने बेटे वरुण गांधी के अपोजिट बोल रही हैं। जी हाँ, अपने बेटे वरुण गांधी के लिए वो ये भी कहती देखी कि मैं वरुण गांधी नहीं हूँ, मैं वही काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। किस तरह से यहाँ पर माँ और बेटे के बीच ये सियासत लड़ाई देखी जा रही है, ये या फिर यूँ कहे कि ये एक सियासी जंग है जो यहाँ पर मेनका और वरुण के बीच साफ तौर पर देखी गई। क्या कुछ रहा, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट। गांधी परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी यानी कि संजय गांधी की पत्नी। संजय गांधी के निधन के बाद जिस तरह से मेनका गांधी राजनीति में उतरी, तो मेनका गांधी ने बड़े फैसले लेने के साथ साथ दिल से खरी खरी कहने के लिए भी वो जानी जाती हैं। महिलाओं, नौजवानों, बच्चों के लिए उन्होंने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। जी हाँ, अब लोकसभा चुनाव 2019 में वो सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इस सीट से सांसद है उन्हीं के बेटे वरुण गांधी। वरुण गांधी इस सीट से सांसद होने के बावजूद भी माँ और बेटे ने अपनी सीट की अदला बदली कर ली और ये वाकई ही हैरान कर देने वाला भी रहा, क्योंकि हर किसी को ऐसा ही लग रहा था कि जहाँ पर पिछले साल यानी कि 2014 में वरुण गांधी को सुल्तानपुर से जीत हासिल हुई थी, तो इस बारी भी सुल्तानपुर से वरुण गांधी ही खड़े होंगे। अब ऐसे में माँ और बेटे के बीच की खिचड़ी तो अभी तक सामने नहीं आई कि आखिरकार क्यों इन दोनों ने अपनी सीट की अदला बदली की। मेनका गांधी जहाँ पर पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ने वाली थी तो वो सुल्तानपुर आ गई और बेटे वरुण पीलीभीत चले गए। ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया है कि माँ और बेटे की राजनीति करने में भी साफ तौर पर फर्क है। एक तरफ माँ है जो मुसलमानों को लेकर साफ कट्टर पंथी दिखाती है, दूसरी ओर वरुण गांधी है जहाँ पर वरुण गांधी हर वक्त अपने स्टेटमेंट में ये कहते देखे गए हैं कि मुसलमानों का वोट हमारे लिए एक अहम वोट है, मुसलमानों का वोट हमारे लिए जरूरी है। अब ऐसे में माँ और बेटे के बिगड़ते हुए रिश्ते, माँ और बेटे का ये सियासत में सियासी जंग भी किसी से छुपा नहीं है। दरअसल मेनका गांधी के कंधों पर अब सुल्तानपुर तो बेटे वरुण गांधी की सीट को संभालना भी है और इस सीट से जीत हासिल करना भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में काम कर अपनी छवि को बरकरार किया हुआ था। अब
अचानक से बीजेपी का इस सीट से अदला बदली कर देना कहीं ना कहीं मेनका के लिए इस सीट से जीत हासिल करने में मुश्किल आ सकती है। कहा यही जा रहा है कि सुल्तानपुर में भी जब से मेनका गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ने की सोची है, कांग्रेस यहां पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाता हुआ देखा जा रहा है। दरअसल आपको हम कुछ चीजें बता देते हैं कि आखिरकार संजय गांधी के निधन के बाद वो राजनीति में कैसे आई। दरअसल मेनका गांधी 1982 में राजनीति में उतरी थी। एक साल बाद ही उन्होंने पार्टी बना ली जिसका नाम संजय विचार मंच था। 1988 में मेनका गांधी की पार्टी का विलय जनता दल में ही हो गया। मेनका इस पार्टी की महासचिव बन गई। जनता पार्टी की सरकार ने मेनका गांधी 1991 तक पर्यावरण मंत्री रही। 2004 में मेनका गांधी भाजपा में शामिल हो गई। मेनका गांधी भाजपा में शामिल हुई, गांधी परिवार के अपने ससुराल परिवार के अपने अपोजिट हो गई। मगर ऐसे में यहां पर वरुण गांधी बेटे के खिलाफ भी उनके स्टेटमेंट देखे जा रहे हैं। हालांकि अपनी मां को जीत दिलाने के लिए वरुण गांधी सुल्तानपुर में प्रचार कर रहे हैं। वो एक ही चीज कह रहे हैं कि वो यहाँ पर वोट अपनी माँ नहीं बल्कि भारत माँ के लिए मांगने आए हैं। देखना यही होगा सुल्तानपुर में जिस तरह से बेटे वरुण गांधी ने अपनी छवि को बरकरार किया था, क्या मेनका गांधी वो छवि बरकरार कर पाएगी? क्या सुल्तानपुर की जनता मेनका गांधी को जीतने का मौका देगी? यकीनन देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर मेनका गांधी अपने बेटे वरुण गांधी के अपोजिट में तमाम ऐसी चीजें कह रही हैं जिससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये सियासत का खेल काफी ही खतरनाक है। हालांकि ये नतीजे बताएंगे कि कौन किस सीट से जीत हासिल करेगा, कौन 5 साल की सियासत को संभालेगा, मगर सुल्तानपुर में जिस तरह से देखा जा रहा है कि मेनका गांधी काफी ज्यादा ही जो है यहाँ पर अपने बेटे वरुण गांधी के खिलाफ हो रही थी, यहाँ पर तमाम चीजें कह रही थी, तो कहीं ना कहीं ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि क्या इस बारी सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी की जीत हो पाएगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।